गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर भी पहुंचे अमित शाह। आज कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव मिला था। अमित शाह ने अर्जुन चौरसिया के परिजनों को ढांढस बंधाया है, तो वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला भी बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो जरा आपको बताते हैं। अर्जुन चौरसिया की राजनीतिक हत्या हुई है। टीएमसी के राज में बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ी है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। अर्जुन चौरसिया की दादी को भी पीटा गया है। बंगाल में विरोधियों की आवाज कुचली जा रही है। अर्जुन की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के एक साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे।